मैंने कहा और 100 के नोट दो मुझे। आई नो यू कांट, मेरी शादी हो रही है। अगर इस चौखट पे बारात आई तो सारे के सारे नोट मैं ही लूटूंगा, हर नोट पे लिखूंगा सोनम बेवफा है। अब आगे सोनम गुप्ता, मैं आ गया हूँ अपने नोट वापस लेने। पापा। सोनम बेटी सोनम। पापा पापा वो आ गया सारे 100 के नोट वापस लेने। अब उड़ाओ व्हाट्सएप, फट गई क्या? घबराना नहीं सोनम, मैंने तेरी शादी के सारे 100 के नोट आटे के टब में छुपा दिए हैं, उसको नहीं मिलेंगे। ओए अग्रवाल हलवाई, उन बेटी की शादी के लिए इकट्ठे किए थे 100 के नोट, वो हर नोट पे सोनम बेवफा है लिखने आया था। वायरल हो गई है तुम सोनम। बचा ले यार, शादी की सारी मिठाइयां अग्रवाल स्वीट से लूंगा मां कसम। ओए गुप्ता, गुप्त रोग थोड़ी हुआ है, घबरा मत। मैं पुलिस को कुछ 100 के नोट देके उस सारी सेटिंग करा देता हूँ, टेंशन ना ले पे। तो तू है सोनम गुप्ता का आशिक, बारात में लुटाए पैसे लुटेगा तू, सेहरे से 10-10 के नोट निकाल लेगा तू, बॉबी को भी बुलाएगा नोट लूटने के लिए। हाँ जानता है सोनम बेवफा क्यों हुई? मालूम नहीं। जानता है सुहाग रात पे दूध का गिलास कौन पिएगा? मालूम नहीं। मैं पीऊंगा साले। और तू सो कॉल्ड सोनम गुप्ता का आशिक, तू लालटेन लेके खड़ा होगा वहां। अगर तूने सोनम गुप्ता से शादी की तो इन लोगों से सारी शराब की बोतलें खत्म करवा दूंगा। अगर ये लोग कम पड़े तो बाबूजी को लेकर आऊंगा, तुम जितने नोट लुटाओगे सब लूट लूंगा। मैंने सोनम गुप्ता के साथ बैंक की लाइन में खड़े होने के सपने देखे थे। अगर तूने सुहागरात में दूध का गिलास पिया, तेरे बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए डलवा दूंगा। नोट लूटेगा मेरी शादी के, शराब की बोतलें खाली करवाएगा। सर ये 100 के 5 करारे नोट, बदले में क्या चाहिए? सोनम गुप्ता के आशिक की बेल। नाम सपना गुप्ता, सोनम गुप्ता की बहन। साली मेरी बनने वाली है और बेल करा रही है सोनम गुप्ता के आशिक की। बहुत पुराना याराना लगता है।